अपन करने चले गए फिर से दानी। गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज तुम्हें क्या मिलेगा? दानिश तो यही सोचता रहता है और सानी दीदी पीछे देखो पैकिंग वैकिंग सब। तो अभी सानी दीदी अपने फोन में थोड़ी सी रील वील शूट कर रही होगी वही। और दानिश भी अभी आ चुका है ना नानी। दानी तुमको हैदराबाद में मजा आया? मुझको तो जू में मजा आया दानी। सबसे ज्यादा होटल में मजा आता है। होटल में जू में मजा आया मुझे? होटल में तो आता है पर जब बाहर जाते हैं ना उसकी बात कर रहा हूँ मैं, है ना? रूम में आया ना? रूम में तो बहुत आ रहा। उस प्राणी को देखिए, वो हर समय जू बिना बात के नाचती रहती है, देख ही सकते हैं आप। और कल का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और हम लोग के सब कपड़े वपड़े हो चुके हैं नहाकर, जो जो भी आ रहा है वो अपने कपड़े इसमें डालता जा रहा है। तो जब घर पर जाएंगे तो वहीं पे इसको धो देंगे अगर कुछ हुआ। और सानी दीदी और दानिश एकदम स्मार्ट लग रहा है ना आज, कमेंट में जरूर बताना। और सानी दीदी तो दिल से फुर्सत नहीं मिलती है और अभी काफी स्मूथ चल रहा है ये फोन, तो काफी अच्छा लग रहा है इसको देखकर। और अभी और देखिए यहाँ सब फैला रहा पड़ा हुआ है, बैग टांग लिया है पीछे। सानी दीदी मास्क ऑन फ्लाइट ऑन पर रखा जा रहा है सामान। तो गाइस पीछे से दानिश के लिए मास्क लिए क्योंकि हमेशा भूल जाता है, होटल में ही भूल गया था तो मैंने नीचे से लेके आया था इसके लिए मास्क। तो हाथ में ले ले पहुंचने वाले एयरपोर्ट की तरफ, तो बहुत ज्यादा लगेज भी है इसके लिए हम लोग को थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा और लगेज भी डलवाना पड़ेगा। और दानिश तो अभी एयरपोर्ट तो पीछे छूट गया है, तो अभी हम जा रहे हैं डीकैथलॉन में, देखेंगे उधर जाके चालू है कि नहीं। चालू हुआ तो वहाँ पे देखेंगे, नाना के लिए भी ले लेंगे। और यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा एकदम क्लीनिनेस है यहाँ पर, मैंने आपको दिखाया बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, एकदम पेड़ वेड़ है बहुत ज्यादा। अभी डीकैथलॉन में आपको दिखाते हैं गाइस, एकदम खुला खुला सा डीकैथलॉन, एकदम इसकी अलग ही ब्रांच है। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग अंदर गाइस, अभी उतरते हैं जल्दी जल्दी। अरे दानी मन तो कर दो। तो देखिए तो गाइस अभी हम नाना के लिए कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ। उनके पास शूज मतलब है लेकिन बहुत पुराने हो चुके हैं और हमें उनके लिए कंफर्टेबल शूज चाहिए, तो हम वही देखने जा रहे हैं। ये डीकैथलॉन का अलग से ब्रांच है ना, तो पूरी चीज़ें मतलब यहीं पर ही देखिए, एकदम शानदार है, एकदम भरी भरी है, सब कुछ है ना दानी। यहाँ पर तुम आया पहले? हाँ क्योंकि दानी हैदराबाद में आता जाता रहता है, यहाँ पर ट्रेनिंग बोल रही है, बहुत सारी स्पोर्ट्स की चीज़ें भी। अरे यहाँ पे देखिए ट्रैक पूरा बॉल्स वॉल्स बॉटल शूज़ का, तो अभी यहीं पे देखते हैं। वो चेपी वाले होते हैं ना वो ले रहे हैं क्योंकि नहाने के लिए इजी टू यूज़, तो वो ही ले रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ मम्मी लोग कौन कौन से चॉइस कर रहे हैं। तो ये देखिए ये भी चेपी वाला है, अभी देख ही रहे हैं। अभी टाइम होता जा रहा है पर शूज़ भी लेने तो मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में लेना पड़ रहा है। तो चलिए अभी चलते हैं सीधा एयरपोर्ट पे। अभी हो चुकी है हमारी बोर्डिंग भी हो चुकी है, लगेज भी डाल दिया है। तो अभी हम लोग अनाउंसमेंट अभी हो चुकी है और मम्मी लोग भी आ गए, मैंने उनको कॉल कर दिया था आओ जल्दी। तो चलिए अभी मैं आपको फ्लाइट में मिलता हूँ सीधा। जा दानिश ना गाइस बहुत ज़्यादा लेता है चीज़ें, कितनी ज़्यादा फेरेरो रोशर है ना, ये वाले थे। हमने देखो बिस्किट तो गाइस हम तक हमने ये वाले बोले थे
पर वो दूसरे वाले लेके आ गए थे तो ये वाले बोले थे चलो आ जाओ ठीक बोल रहे हो तुम। अरे बोलो ना फिर तो चला जाओ आधा देख देख शॉपिंग करने चले गए फिर से दानी शॉपिंग करने फिर से आ जाओ In case of any assistance required, please feel free to contact your line staff. क्या मिल रहा है? फोन के बाबा। ना चाहिए ना नहीं। मुझे बता मैं दिलाऊंगी मेरे पास 20 रुपए। नहीं सेम मैंने कहा था इससे। 20 रुपए। खाया भी होगा कभी? हाँ कल तो लाया कर दिया था मैंने ना मैं बोल तो लाया कर दिया था खाया था भैया एक से कुर्ता मिल रहा है एक से एक से यार मैं दे रही हूँ मम्मी दोनों बहुत सारे दिल में नहीं तुम बैंक के लिए जा रहे थे तो गाइस अभी हम लोग फ्लाइट के अंदर जाने वाले मिलते हैं आपको मुंबई लैंड होने के बाद सारे दीदी तो यहाँ पर बैठे हैं देने वाले और मम्मी और दानिश वहाँ पे बैठे दोनों तो अभी देखिए सारे दीदी फोन में घुस रही है थोड़ी तो चलिए और गाइज यहाँ पर ना आज इनका 7th एनिवर्सरी है तो विस्तारा फ्लाइट है तो इन्होंने हमको ये पैकेजेस दिए सारे दीदी ने खोल रहा अपना और ये मेरा है देखिए भूखी लड़की खाना खा रही है सारे दीदी देखिए और यहाँ पे चॉकलेट भी मिले मुझको दो और यहाँ इसमें एक लॉटल चौको पाया ये ऐसे होता है ये ना इससे ज़्यादा अच्छा होता है देखिए मतलब ज़्यादा हाई टेक करना ज़रूरी है तो ऐसे ही अब अपना टाइम वेस्ट कीजिए और ऐसे करके फिर ऐसा करिए मिडिल क्लास हम उतरने के बाद हम लोग ने बहुत वेट किया यहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट 20 मिनट वेट किया और तब जाके सारा सामान मिल गया है तो अभी हम चल रहे हैं सीधा घर की तरफ तो ओला बुक करते हैं और फिर चलते हैं घर की तरफ तो चलिए मैं ओला बुक करता हूँ और जब ओला आएगी तब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी है ना दानी तो अभी हम लोग फाइनली बैठ चुके हैं अपनी ओला में तो चलिए अभी सीधा हम लोग घर पर चलते हैं तो हम लोग को फ्लाइट में मिला था तो अभी दानिश इसको खोल रहे हैं क्योंकि उनकी ये 7th एनिवर्सरी थी जो ऊपर देख रहे हैं ये मेट्रो का काम चल रहा है एक दो साल से चल रहा है इस साल हो ही जाएगा ऑलमोस्ट है ना दानी काफ़ी एक्साइटेड है नाना को सरप्राइज़ देने के लिए तो नाना को सरप्राइज़ भी देंगे उनके लिए शूज़ लिए हैं उनको मालूम नहीं है बिल्कुल भी और हमने लेके रखे हुए हैं ना दानी यहाँ पे आइसक्रीम जा रही है दानिश के मुँह में पानी से उठा
तो गाइस फाइनली दानिश आ चुका है घर पर। ये देखें यहाँ पर सानिया, ये अक्षय, सामान इन लोग का इधर रखा हुआ है। अभी अभी इंटरव्यू है घर में इन लोग की। क्या बोले दानिश, कैसा लगा? अच्छा लगा, ठंडी बहुत है और स्विमिंग पूल आराम से खड़ी ठंडी में अपने, तो मजा आया। हाँ सानी ठंडे पानी में मजा आ गया ना। तो गाइस यहाँ पर सब सामान एडजस्ट कर दिया जा रहा है और यहाँ पर रखे हुए हैं सैंडविच जो दानिश लेकर आया है एयरपोर्ट से, जो फ्लाइट में लोगों को मिले थे वो सैंडविच थे। तो अभी दानिश खाते हैं सैंडविच। तो गाइस अभी सैंडविच खा लिया है हम लोगों ने और अभी दानिश यहाँ पर खाता हुआ बिरयानी। और यहाँ पर ये देखिए सामान हैदराबाद से जो आया है, किचन सेट कुछ आए हैं यहाँ पर बर्तन के, देखिए। और ये रही सानिया ने अपनी ड्रेस चेंज कर ली है। अभी ये सामान को मैं रखता हूँ। तो गाइस मैंने सामान रख दिया सब ऊपर। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 10:30, तो अभी सब अपने रूम में, सब लोग, अरुण मामा भी और नाना लोग भी सब देख रहे हैं अभी टीवी, क्योंकि आज है संडे। तो हमने बहुत ही मजा किया पहले दिन हैदराबाद में, मतलब पहले दिन इतना मजा नहीं आया पर दूसरे दिन किया, आपको मैंने जैसे बताया था, जू में गए, फिर मतलब बहुत सारी चीजें हुई। तो अभी हम आज आ भी चुके हैं और नाना को सरप्राइज हम लोग कल देंगे, देखते हैं। अभी तक नाना को पता नहीं है, नाना अंदर रूम में बैठे हुए टीवी देख रहे हैं। तो गाइज अगर आज हम आए और बहुत थोड़े से थक गए थे, पर फिर मम्मी और अरुण मामा थोड़ा सामान भी लेके आए थे बाहर से घर का। तो गाइज आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना और कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट पार्ट या आपको हमको कोई भी एडवाइस देनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।